स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जीएस बिष्ट, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुशा खान, नैनी डांडा, पौड़ी गढ़वाल। आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए गुण खंडन पाठ के अंतर्गत विभाजन यानी भाग की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहा हूं। आप और हम चलते हैं आज के पाठ की ओर। हाँ, तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में जाना कि किस तरीके से भाग किए जाते हैं, भाग व्यंजकों के भाग किए जाते हैं। आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार देंगे कि भाग की प्रक्रिया, ताकि आप कंफर्म हो सके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, y की पावर 2 प्लस 7 y प्लस 10, और इसको हमने डिवाइड करना है y प्लस 5 से। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास व्यंजक दिया है और इससे एक फैक्टर के रूप में है, एक गुणनखंड के रूप में है, और यहां पर हमारे पास जो व्यंजक है वो गुणनखंड के रूप में नहीं है। हम इस प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंडन करना पिछले अध्याय में सीख चुके हैं। पिछले अध्याय में का मतलब पिछले एपिसोड में, इसी अध्याय के पिछले एपिसोड में सीख चुके हैं। तो आप देखेंगे y की पावर 2 प्लस 7 y प्लस 10 को हम किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या इसको हम पहले ये लिख लेते हैं y की पावर 2 प्लस 7 y प्लस 10, और जो भाग में होता है, भाग जिसका दिया जाता है, उसको हम यूं लिख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको गुणनखंडों में तोड़ लेंगे, और गुणनखंडों में तोड़ करके देखेंगे कि ये 10 है, हमने इसको x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b के रूप में हमने इसको तोड़ना है। अब किस तरीके से हम इसको तोड़ रहे हैं, देखो, हमने a इंटू b के रूप में इसको मानना है। तो ये 5 × 10 होता है, और 5 और 2 = 7 होता है, बिल्कुल सही। तो हम इसको तोड़ देंगे, y ये जो मिडल टर्म है, बीच वाला जो पद है 7y, उसको 2 पदों में तोड़ दिया, एक हो गया 5y और एक हो गया 2y प्लस 10। यहां पर हमने बीच वाले पद को, हम 7y को 5y प्लस 2y लिख सकते हैं, और यहां नीचे डिवाइड में हो जाएगा हमारा y प्लस 5। यहां देखेंगे इन दोनों में y कॉमन है, तो यहां हमारे पास बच जाएगा y प्लस 5, और यहां भी हमारा y प्लस 5 बचना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं यहां 2 कॉमन निकल रहा है, उभयनिष्ठ। आपने समूह बनाकर उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड करना सीखा था, तो 2 कॉमन ले लिया, तो y प्लस 5, और यहां इसके नीचे y प्लस 5 हमारा है। आगे अगर इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो यहां पर देखेंगे 2 पद हो गए हैं, एक पद यहां से यहां तक और दूसरा पद प्लस 2 y प्लस 5 तक। तो यहां पर दोनों पदों में देखेंगे y प्लस 5 कॉमन है, तो y प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो दूसरे पद में y यहां बच जाएगा और यहां प्लस 2 बच जाएगा, और इसका बटे हमारे पास प्राप्त है y प्लस 5। यहां हम y प्लस 5 को y प्लस 5 से काट देंगे, तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ y प्लस 2। ये हमारा भागफल है, दिस इज आंसर। आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्नावली 14.3 का 5वां प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए ले रहा हूं जो कि आपकी प्रश्नावलियों से ही संबंधित है। आगे हम बात करते हैं m की पावर 2 माइनस 14m माइनस 32, ये वाला व्यंजक है, ये भाज्य है हमारा, और हमारा भाजक है m प्लस 2, ये भाजक है हमारा, m प्लस 2 हमारा भाजक है, और हमारा भाज्य है m की पावर 2 माइनस 14m माइनस 32।
तो देखेंगे इस प्रश्न को किस प्रकार से हम करते हैं। इसको भी हम द्विघात दो घात वाला है तीन पद है के रूप में ही करेंगे। तो देखेंगे माइनस 32 है, 32 के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, 16 दूनी 32 हो सकता है, 8 चौको 32 हो सकता है, या 32 से कम 32 होता है, लेकिन हमको उन फैक्टर्स को लेना है जिनसे हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। अगर 32 से कम 32 लेते हैं तो घटा करके हमको कभी भी 14 प्राप्त नहीं हो सकता किसी फैक्टर से। हम अगर 8 चौको 32 लेते हैं तो घटा करके हमें 14 प्राप्त नहीं हो सकता। हम लेते हैं फैक्टर 16 दुनी 32, जरा यहाँ पर ध्यान दें, 16 दुनी 32 करके हमको प्राप्त हो रहा है 14 भी, क्योंकि 16 में 2 को घटा देंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सावधानी पूर्वक करेंगे, यहाँ पर हम गुणनखंड करना भी सीख रहे हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से अपॉन एम प्लस 2 के रूप में, ऐसा लिख लेंगे। फिर इसके बाद अगला स्टेप जोड़ेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम m की पावर 2। ध्यान दें यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो ब्रेकेट जरूर बनाएं, क्योंकि नहीं तो आप ऑप्शन में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम 14 को माइनस के रूप में लिखना है, जो गुणांक यहाँ होता है इसके रूप में लिखते हैं हम, तो माइनस के रूप में करना है। तो 16 में से 2 घटा करके हमको 14 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम 16m माइनस 2m लिख लेंगे और माइनस 32 लिख लेंगे, और यहाँ पर हमको m प्लस 2 लिख लेना है। अब आगे अगर आप देखते हैं इसमें तो आप पाते हैं कि इसको खोलना है, इसको हम क्या करते हैं कि जो बीच का टर्म इस तरीके से कॉमन टर्म होता है उसको दो भागों में तोड़ते हैं। अब यहाँ पर जब तोड़ना है तो देखिए पहले माइनस का चिन्ह इसमें पड़ा हुआ है, तो हमको इसको प्राप्त करने के लिए करना है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 16m। बच्चों मैंने आपको जानकारी दी थी कि जब माइनस चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह पहले वाले चिन्ह की दिशा बदलने के लिए कहता है, यहाँ पे 16m प्लस में था तो ये बोलता है माइनस 16m हो जाएगा, और माइनस 2m है तो प्लस 2m हो जाएगा। यहाँ पर सावधानी रखेंगे, यहाँ पे प्लस 2m लिख लेंगे और माइनस 32 लिख लेंगे, और इसको डिवाइड करना है m प्लस 2 से। आगे इसी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे तो यहां पर देखेंगे इन दोनों में m स्क्वायर और माइनस 16m का जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ 2m माइनस 32 का जोड़ा बन जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, m कॉमन ले लेंगे, तो m अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपका कोष्टक के अंदर m माइनस 16 बचेगा। यहाँ पे देखिए m की पावर 2 है और उसमें m से डिवाइड करना है, क्योंकि m कॉमन ले लिया है तो आपको पता है कि पावर 2 में से 1 पावर घटा देंगे तो m प्राप्त होगा, और m माइनस 16 यहाँ से m से m कट जाएगा, ये भाग की प्रक्रिया में आप जानते हैं। और यहाँ पर 2m और 32 में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर ध्यान दें इस तरीके से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह सही लिखना होगा, या तो प्लस 2 या तो माइनस 2 क्यों लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हूबहू राशि आनी चाहिए, जिस तरीके से ये है उसी तरीके का फैक्टर यहाँ आना चाहिए, उसी तरीके का गुणनखंडन प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही यही प्राप्त हो गया हमको 2m माइनस 32 से। फिर हम इसको इसके नीचे डिवाइड में लिख देंगे m प्लस 2। यहाँ पर देखेंगे दो पद हो गए, यहाँ तक एक पद और यहाँ तक एक पद, इन दोनों पदों में m माइनस 16 कॉमन है, तो m माइनस 16 कॉमन है तो हमारा कोष्टक के अंदर बच जाएगा m प्लस 2, और सारे का बटे m प्लस 2 हमारे पास यहाँ पर है। आप देखेंगे ये फैक्टराइजेशन इसका हो चुका है ऊपर वाले व्यंजक का, और इसमें से m प्लस 2 से m प्लस 2 को हम डिवाइड कर देंगे यानी काट देंगे, m प्लस 2 कट गया तो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है m माइनस 16, तो हमारा रिजल्ट आ गया m माइनस 16, ये हमारा भागफल है। आगे एक व्यंजक को लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 5p स्क्वायर माइनस 25p और इसको डिवाइड करना है हमने 25p प्लस 20 से, यहाँ पे प्लस 20 भी है, और इसको डिवाइड करना है हमने p माइनस 1 से, p माइनस 1 से।
तो इस क्वेश्चन को लीजिए, यहां पर देखिए इस तरीके का पद हमारे पास है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या इसको पहले हम इस रूप में लिख लेते हैं, 5p का स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 विद इन ब्रेकेट, और इसको डिवाइड करना हमने p माइनस 1 से। तो यहां पर किस तरीके से करेंगे, ध्यान दें इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो ये द्विघात है, दो घात के रूप में है और तीन पदों के रूप में है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो है हमको x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन करके प्राप्त होता था। तो यहां पर a प्लस बी और a इंटू बी और a प्लस बी के रूप में होता है। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान देने की जरूरत है, अभी तक हम 20 को फैक्टराइज कर रहे थे, यानी जो अचर पद है उसको फैक्टराइज कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमको 20 इंटू 5 पहले कर लेना है। हमको प्रिजल्ट प्राप्त होता है 100, और फिर 100 को हम दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं। हम 50 दुनी 100 भी लिख सकते हैं, 100 एकम 100 भी लिख सकते हैं, और 25 चको 100 भी लिख सकते हैं, और 20 पंजे 100 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम उस फैक्टर को लिखेंगे जिसको जोड़ करके 25 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे फैक्टर हमारे पास 20 × 5 ही आता है, यानी 20 पंजे 100 और 20 में 5 जोड़ देंगे तो हमको 25 प्राप्त होता है। तो जी हाँ, हम सही कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 5p का स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट बनाना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ तो हो सकता है आप गलती कर लो, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 20p प्लस 5p और प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। यहाँ पर देखेंगे इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो फिर से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 20p और 5p को जोड़ेंगे तो 25p और माइनस, यस माइनस 25p के बराबर हो रहा है, हम सही चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 5p का स्क्वायर माइनस। अब यहां पर देखेंगे जब माइनस चिन्ह होगा तो ये अंदर के चिन्हों को बदल देगा, ये 20 का साइन जो है पॉजिटिव है और 5p का भी प्लस है, तो इसको ये दोनों को माइनस कर देगा। तो माइनस 20p माइनस 5p इस तरीके से हो जाएगा, और प्लस 20 फिर डिवाइड में आ जाएगा वही p माइनस 1। आगे हम फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो ये 5p स्क्वायर माइनस 20p, यहां फिर से लिख देता हूं मैं, 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने 5p को कॉमन ले लिया, इन दोनों पदों में 5p कॉमन है। तो देखेंगे 5p को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहां पर हमारे पास p बच जाएगा माइनस 5 चको 20, p माइनस 4 बच गया। यहां भी आगे हमको p माइनस 4 ही हमारा बचना चाहिए, तो यहां पर p माइनस 4 बचने के लिए हम माइनस 5 को कॉमन कर लेंगे, यहां p माइनस 4 ही बचना चाहिए, बिल्कुल बच रहा है, और यहां हमारा हो गया p माइनस 1। अब आगे इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो देखेंगे ऊपर के पद ऊपर के व्यंजक में p माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहां हमारा हो जाएगा p माइनस 4 कॉमन, यहां हमारा बच जाएगा 5p माइनस 5 अपॉन p माइनस 1। यहां अगला स्टेप देखेंगे, यहां इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारा p माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे 5 × p माइनस 4 इंटू, यहाँ पे असुविधा हो रही है आपको, तो यहाँ देखेंगे यहाँ इन दोनों में 5 कॉमन ले लिया बाहर, तो 5 को बाहर निकाल लेंगे तो p माइनस 1 बच जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे p माइनस 1 और इसके नीचे लिख लेंगे आप p माइनस 1, ये लिख लेंगे p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा, तो हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर p माइनस 4, ये हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा 5 × p माइनस 4, यानी ये हमारा भागफल आ जाएगा, इट विल बी आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी तरीके से, 39
39 y की पावर 3, 39 y की पावर 3 और विदिन ब्रैकेट है 50 y का स्क्वायर माइनस 98 और यहां हम इसको डिवाइड करेंगे 26 y का स्क्वायर प्लस 5x प्लस इनटू 5x प्लस 7 से। तो देखेंगे यहां पर हमारे पास डिवाइड करने के लिए इस तरीके से ये व्यंजक है और इस व्यंजक से डिवाइड करना है, तो किस तरीके से हम इसको करेंगे फिर से एक बार लिख लेते हैं। इसको बटे के फॉर्म में लिख लेता हूं मैं। इसको हमने लिख लिया 39 y का क्यूब इनटू 50 y की पावर 2 माइनस 98 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 26 y की पावर 2 इनटू 5x प्लस 7 से। आप चाहो तो पहले इससे ये डिवाइड हो सकता है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये 26 है, ये 39 है, 13 दुनी 26 होता है, 13 तिया 39 होता है। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो y की पावर 3 में से y की पावर 2 को घटा देंगे तो y बचेगा। तो यहाँ हमारे पास 13 तिया 39, 13 दुनी 26, 3 अपॉन 2 y इस तरीके से बच गया, या ऊपर हम 3y लिख लेंगे इनटू 50 y का स्क्वायर माइनस 98 अपॉन यहां पर हमारे पास प्राप्त हुआ है 2 इनटू 5x प्लस 7। अब यहां पर देखेंगे अगला तरीका क्या अपनाएंगे कि जो ये अपने आप में ब्रैकेट के अंदर एक व्यंजक है, इस व्यंजक में देखेंगे कि इस व्यंजक में 2 से विभाजित हो रहा है, यानी यहां पर 25 प्राप्त होगा और यहां पर 49 प्राप्त होगा। तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं। अगर 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। यहां पर देख लीजिए 2 यहां से कॉमन निकाला, बाहर मल्टीप्लिकेशन में जो है 3y पड़ा हुआ है, 3y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो बाहर निकाला, यहां से कॉमन निकाला तो ये 6y हो गया। लेकिन यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा अंदर 25y की पावर 2 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 49 अपॉन यहां पर हमको प्राप्त हुआ है 2 इनटू 5x प्लस 7। अब यहां देखेंगे बच्चों 2 से 6y को विभाजित करेंगे तो 2 तिया 6 यानी 3y प्राप्त होगा। यहां हमको प्राप्त हो जाएगा 3y और विदिन ब्रैकेट 25y का स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 5y, यहां x की जगह y होना चाहिए, यहां हमने क्वेश्चन में y लेना था, सॉरी ये यहां पर डियर स्टूडेंट्स y है, यहां सब जगह y है क्योंकि x से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पे गलत है। तो यहां पर y समझिए, x की जगह y समझिए सब जगह, और ये x की जगह y है तो ये हो गया 5y प्लस 7, इसको सब जगह y समझिए, ये y था, x नहीं है, x की जगह y होना था। तो यहां पर देखेंगे ये प्राप्त हो गया। अब आगे हम देखेंगे इसको 3y into, अब ये देखो 5y का स्क्वायर है और ये माइनस 7 का स्क्वायर है, दो राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के रूप में है इज इक्वल टू x प्लस y और x माइनस y, सर्व समीका के अंतर्गत आपने सीखा है। इसको हम 5y का स्क्वायर ले लेंगे और इसको 7 का ले लेंगे, 5y में से एक बार 7 को प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, यहां लिखेंगे 5y प्लस 7 इनटू 5y माइनस 7, ये लिख लेंगे और सारे का बटे हो गया हमारे पास 5y प्लस 7। अब ये 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3y इनटू 5y माइनस 7। इस तरीके से आपको इसका भागफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न को देख लें किस तरीके से यहां पर विभाजित किया है। यहां पर एक बात का ध्यान रखिए, यहां पर 5y प्लस 7 से इसको डिवाइड किया है हमने, ये हमने एक्स्ट्रा इस पे लिखा है तो इस तरीके से ये कर दिया और बाकी इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं
और यहाँ पे दो राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में भी आ रहा है, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि हम ये भाग की प्रक्रिया को किस तरीके से कर रहे हैं। भाग की प्रक्रिया करने में हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उनको गुणनखंडों के रूप में कर लेते हैं, जो समान गुणनखंड अंश और हर में होते हैं उन गुणनखंडों को हम काट देते हैं। और दो प्रकार के आपने सीखे थे, द्विघात त्रिपद, तीन पदों वाले द्विघात को किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यानी उस तरीके से किस तरीके से उनका गुणनखंड कर रहे हैं, और यहाँ पर दो राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में किस प्रकार से गुणनखंड कर रहे हैं, इस प्रकार से हम इसके उत्तर की प्राप्ति करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों में ये सावधानी रखने की जरूरत है कि आप फैक्टराइजेशन सही ढंग से करेंगे, और फैक्टराइजेशन के लिए हमने हमने जिन तरीकों को सीखा था, सबसे पहले उभयनिष्ठ निकाल करके, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर निकाल करके सीखा था। दूसरा जो है समूह बना करके हमने गुणनखंड करना सीखा था, समूह बनाकर। और तीसरा जो है दो राशियों के वर्गों के अंतर के रूप में, वर्गों के अंतर के रूप में, तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का। और इसी प्रकार से तीन पदों के रूप में जब होता है, द्विघात होता है, दो घात होती है, द्विघात होती है और तीन पद होता है, तो इस तरीके का जो व्यंजक होता है उस व्यंजक को हम प्राप्त करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। इस तरीके से इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके हमने इन जो व्यंजक दिए हैं उन व्यंजक को गुणनखंडों में तोड़ा, और उन व्यंजकों को गुणनखंडों को तोड़ने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं अंश में भी और हर में भी, उन फैक्टर्स को एक दूसरे से डिलीट कर दिया। किस तरीके से किया, जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई ऊपर लिख दूं और उसके नीचे x प्लस वाई लिख दूं, तो बच्चों आप जानते हैं कि समान चीज में पांच में पांच का भाग दे करके एक प्राप्त होता है, अगर सौ में सौ का भाग देते हैं तो एक प्राप्त होता है, इसी प्रकार से x प्लस वाई में अगर x प्लस वाई का भाग देंगे तो एक प्राप्त होता है। और जब हमको एक प्राप्त होता है गुणनखंड के रूप में, तो संख्या का मान ज्यों का त्यों बना रहता है या व्यंजक का मान ज्यों का त्यों, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से काट करके सरल कर लेते हैं। आशा है कि आप विभाजन की प्रक्रिया को भी समझ गए होंगे और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि किस तरीके से गुणनखंड किए जाते हैं, यही फैक्टराइजेशन का प्रयोग और यही भाग की प्रक्रिया का प्रयोग आपको बड़े प्रश्नों को, यानी व्यवहारिक जीवन में जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको हल करने में आप करेंगे। आशा है कि आज के पाठ से आप भली भांति समझ चुके होंगे आज के पाठ को, और अपने पाठ में जो प्रश्नावली 14.3 है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। किसी भी समस्या के होने पर अपने गुरुजी से संपर्क करेंगे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले पाठ को लेकर। तब तक गुड बाय।